वैसे कल हम म्यूज़िक पे बात कर रहे थे और मेरा ख्याल है म्यूज़िक का डेफिनेटली तल्लु है इससे डिप्रेशन एंगजाइटी और सैडनेस से है नो हंड्रेड परसेंट है लोग अक्सर जब उदास होते हैं या लो स्टेट में होते हैं तब भी वो म्यूज़िक की तरफ जाते हैं टू हा, हा, अपलिफ्ट हाँ वैसे इसका हाँ तालक तो है लेकिन वैसे जनरली जितनी मुसीबतें और आफात लोगों पर है ना मैं आज अभी इधर आते हुए साइकिल पर खड़ा हुआ था तो राइट साइड पर ना एक बाबा जी बूढ़े अराउंड एटीज ऐसे बैठे हुए हैं ना अच्छा मैं उनको तो देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हाँ तो ऐसे नीचे आँखें करके बैठे हुए हैं तो मैंने शीशा खोला मैंने कहा बाबा जी क्या हाल है कहते हैं ठीक मैं कब से बैठे हुए है? हैं कहते हैं ढाई तीन घंटे तो हो गए यहाँ पे सिग्नल में बैठे हुए थे पीछे उधर फुटपाथ पे जो पीछे था ग्रीन बेल्ट पे तो मैंने कहा क्या हुआ कहते हैं कुछ नहीं बेटा बस बैठा हुआ मजबूरी है मैंने क्या मजबूरी है कहते हैं दो साल कोविड में मैं गिरा था मैं पेंट का काम कर रहा था पेंट का या उसका प्लस्तर वगैरह का भी ना कहते हैं मैं गिरा था तो मुझे हेड इंजरी हुई

आपको क्यूरोसिटी ने किक इन किया ना आपने रुक के पूछा उससे इसी तरह लोग करते हैं और फिर पैसे भी देते हैं लेकिन वो देखे ना मैं वैसे ये कि वो जेन्युइन नहीं होगा हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा बहुत आजकल हो रहा है हां ये भी है इससे ना होता है कि जो वाकई मुस्तक वो वो लोग है अक्सर ये जो हकदार लोग है ना तो मारे है कौन सा नहीं है अभी कुछ दिन पहले हम यू की टू हंड्रेड था दर हम एक बंदे की फेक से बरामद हुआ सुबह और ब्रो हम बैंक्स, बैंक्स यहाँ पे जाते हैं तो एक दफा हमारा बैंक का चक्कर लगा था तो उन्होंने कहा कि तो भी लाखों रुपए के सिक्के हमारे पास ये बच्चे लेके आते हैं लाखों mm. रुपए के सिक्के सो डेफिनेटली so है बट वो जो बाबा जी थे ना मुझे वो थोड़ा सा ना यानी हाँ, वो ऐसे लग रहे थे कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड ही वॉज नॉट आस्किंग और उन्होंने कहा बस यानी ही वॉज नॉट कंसर्न कि मैं उसे पूछ रहा हूँ फिर परेशानियों का ना ये इसका तो जो डायमेंशन है बहुत ज्यादा वास्ट है ना हर बंदे को कोई ना कोई जो परेशानी आती है कोई मुसीबत है कोई बीमारी है तो डेफिनेटली उसका जो एक एस्पेक्ट है जो एलिमेंट है वो बंदा फिर गम में चला जाता है डिप्रेशन है सैडनेस है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज दे ऑलवेज सैड ठीक है और हाँ, आपके अपस एंड डाउन आते रहेंगे मतलब वट इज़ लाइफ अगर आप लाइफ को एक्सप्लेन करें mm -hmm. कोई mm -hmm. ऐसा शख्स हो नहीं सकता पॉसिबली जिसकी लाइफ जो है वो खुशियों से भरी होती है mm -hmm. हर वक्त oh, खुशी खुशी इवन द पीपल विद द मैक्म ऑफ वेल्थ दे वु हैव बल्कि उनमें तो ज्यादा शायद ग्रग्स होती हैं ज्यादा चीज़ें असल में आज के ढलने में पता क्या है लोगों को ना फर्क भी नहीं पता कि ये मुझे एनजाइटी हो रही है सैडनेस है या डिप्रेशन है यानी है क्या मुझे डिफिकल्ट भी है मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क यार इसमें ना एक्चुअली मेरे ख्याल से हम लोग ना माइंड सेट uh, का परस्पेक्टिव uh, जो है ना ये फ़र्क है कि में से बहुत सारे लोग खासकर मैं यंग जनरेशन की बात करूँगा क्योंकि हम लोग आजकल ना सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन हैं uh, whether इट इज़ फेसबुक इंस्टाग्राम और ये वो उसमें देखें अगर आप नोट करेंगे ना दिखाया यही जाता है कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल और फिर जब आप दूसरे लोगों की फ़ोटोज़ देखते हैं हालांकि वो रियलिटी बहुत कम होता है वो रियलिटी हो उसमें फिल्टर्स होते हैं और वो शो ऐसे करवा रहे होते हैं कि जी हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है हम खाना ही यही खाते हैं हम उठते बैठते ही ऐसे माहौल में हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर वही जो है ना एंगजाइटी डिप्रेशन वगैरह की वाई इज़ इट हैपनिंग टू मी ब्रो मैं आपको ना लाइव एग्जाम्पल टू मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट मतलब uh, कम लोगों को मैंने देखा है कि इस तरह से ओपनली प्लेटफॉर्म से बात करते हुए आई एम फोटोग्राफर माई सेल्फ ठीक है आई डू फोटोग्राफी विद माई टीम और पिक्चर्स हम लेते <laughs> हैं <coughs> कुछ पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के देखता हूँ जो क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े वेस्टर्न मोस्टली क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा एक्सेल किया इस चीज़ में तो uh, जिस एतबार से उनकी पिक्चर बनी होती है व्हेन आई एडिट माय ओन पिक्चर्स तो आई रीच द सेम लेवल ऑफ जो आपकी परफेक्शन है और मैं एक ना सोचता हूं यार how fake is it, you know? Because पता क्या यार, hmm. दिस लुक और hmm. ये बंदा इस वक्त यहाँ पे है hmm. तो कितना wow, ज्यादा ब्लेसड है हालांकि hmm. वो जगह खूबसूरत होगी लेकिन आप उसको एडिट करके ना मल्टीपल टाइम्स जो है ना अनरियल बना देते हो इतना एनहेंस कर हो इट्स अचीवेबल वेरी इजिली अचीवेबल वही बात है कि डिसप्शन है सुबह उठते ही ब्रो हम ऐसे फोन निकालते हैं इंस्टाग्राम खोलते हैं और स्क्रोडिंग शुरू कर देते हैं लुकिंग एट पिक्चर्स वो वहाँ ट्रैवल कर रहा है वो दुबई घूम रहा है वो वहाँ जा रहा है ठीक है एंड दे आर लिविंग अ परफेक्ट लाइफ इवन ब्रो रिसर्च कहती हैं कि जो ड्रामाज और मूवीज़ हैं ये हमें बड़ा डिप्रेस कर रही है इमोशनली वीक कर देते हैं हमें ये। अब तो ये हो गया है कि लोग का सोशल मीडिया यूजेज की वजह से ना जो सैडनेस एग्जाइटी वो तो कैन कर रही है लेकिन अक्सर लोगों को समझ भी नहीं आ रही कि ये सोशल मीडिया की वजह से यू नो दिस दिस इज द कॉमन टर्म के यार आई एम फीलिंग सैड फॉर नो रीज़न आई डोंट नो मेरे पास सब कुछ है मेरे पास गाड़ी है घर है यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं सब कुछ है लेकिन बस मैं सैड हूँ मोस्ट ऑफ दोशल मीडिया है hmm. और ये सेल फोन यूज है ये बिन्च वॉचिंग ऑफ डिफरेंट चीजें शोज और मूवीज इिटीटेटी वैसे अगर हम डिस्कस करेंगे फर्क क्या है क्या ख्याल आप रहा हूँ कि ये जो मल्टीपल स्टेट हैं उसके अंदर सैडनेस आपको crying, आपका क्राइंग आपका लो फील करना अक्सर uh, कुछ सर्टन बॉडी पार्ट्स में फील मतलब गट में पेन फील करना कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टू वीक्स दैट्स डिप्रेशन

चले दुनिया से यू फील सैड ठीक है और सैडनेस में यू डोंट फील लो सेल्फ एस्टीम एंड यू डोंट लूज द पर्पज ऑफ लाइफ यू डोंट लूज द होप ऑफ सैडनेस इज मूड इज मूड इज मूड टेम्प्री मूड एंड यू एंजॉय सम ब्लैसिंग्स एंड यू डोंट इंजॉय अदर ब्लैसिंग सैडनेस में बट hmm. डिप्रेशन में जनरली कॉस्टेंट है यू डोंट इन्जॉय द ब्लैक्स यू शू शुड इंजॉय फॉर एग्जाम्पल ईटिंग फूड या जो आप पहले कर रहे थे जो आप enjoy करते थे अब वो नहीं कर लेकिन एक और चीज भी है कभी सैडनेस भी ना स्टेट प्रोलॉन्ग कर जाती है और डिप्रेस लोग कन्फ्यूजन कभी नहीं जाती एंड पीपल थिंक मैं डिप्रेस हो गया बिल्कुल एक तो अब इतना ज्यादा कॉमन होगी ना एवरीबडी थिंग थोड़ा सा सैड हुआ ना दो तीन दिन चार दिन और जो मैं डिप्रेशन में चला गया और इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और जो मेडिकल की फील्ड है ना अच्छा साइकोथेरेपी इसका तो आर्ग्यूबली थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है इनका लेकिन ये लोग कहते हैं कि डिप्रेशन इज वैन यू डोंट नो वाई एम डिप्रेस्ड डिप्रेशन इज वैन आपका जो आप नाहिलिज्म आप पे पहुंच जाते हो नाहिलिज्म इज यू लूज द ऑफ लाइफ ठीक है यू hmm. आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें जो रीजन है वो इतनी पोस्टिवे हो जाती है आपके सब कॉन्शियस माइंड में कि यू डोंट नो एग्जैक्टली वट द रीजन इज बट साइकोथेरापी की फील्ड में लोग कहते हैं कि नहीं देर इज अ रीजन बट मेडिकल या जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं करती बिकॉज आ, एक वो है अख्तिलाफ़ तो है हाँ, बल्कि मैं आ, एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल उनकी एक आर्टिकल ही पढ़ा था उस पर उन्होंने लिखा था इंटरेस्टिंगली कि अभी तक जो सबसे बड़ा जो आइडेंटिफाई करते हैं ना क्या कहते हैं साइकैट्रिस्ट वो कहते हैं कि जी मेडिक जब आपका केमिकल इम्बेलेंस होता है ना किसी एक केमिकल का ज़्यादा हो जाना किसी एक का बहुत कम हो जाना ये आपका आ, जो ब्रेन के पार्ट्स हैं मेकडला और हिपोकम्पस uh, इसमें जो मेनली यहाँ इसकी यहाँ से जब इम्बेलेंस uh, बहुत होता है तो डिप्रेशन कॉज होता है hmm. तो कह रहे थे कि इनफैक्ट अब रिसर्च फर्दर हमारे पास आ गए हैं एम आर आई स्कैन के डिफरेंट उन्होंने नाम लिए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैंस हैं जो कि फर्दर हमारी ब्रेन को हम डिटेक्ट करके देखते हैं कि खाली ये रीज़न है ही नहीं डिप्रेशन hmm. की hmm. और सो मेनी रीजन इनफैक्ट और उनका था आप दो बंदे लेंगे उनके एग्जैक्ट सेम दोनों डिप्रेशन में दोनों, hmm. दोनों के एग्जैक्ट सेम सिम्टम्स पर दोनों का इलाज डिफरेंट होगा कहते हैं दोनों का यू यू हैव हैव टू टू ट्रीट देम डिफरेंटली, बिकॉज़ गो बैक, एक की हो सकता है किसी का ऐसा हुआ, hmm. जिसका और दूसरे का भी ठीक करने के लिए बहुत क्या हमारा जो साइंस का ट्रीटमेंट है वो डिप्रेसिव बंदे के लिए क्या होता है कि उसका वो जो केमिकल फायरिंग हो रही है ना उसको बस कर

अब वो क्या कहते है? कहते हैं ये जो एंटी डिप्रेसेंट अक्सर उन्होंने नोट किया यार फौरी तौर पर इम्पैक्ट नहीं करते अक्सर वीक्स लग रहे होते हैं बिकॉज जी ऐसे ही एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो कनेक्शन है ना दे नर्व सेल्स ये कनेक्शन बन जब रहे होते हैं ना तो ये बनने में इनको वीक्स लगते हैं <coughs> सो जब ये बनते हैं और <coughs> ये जो रिडक्शन हुई थी ये खत्म होना शुरू होती है वापस अपनी नॉर्मलाइजेशन होती तब जाके बंदा थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू करता है सो वो ये वो उसमें बड़ी लिस्ट थी लंबी भी कि दे सो मच रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन हमें अभी तक ना कॉज का हंड्रेड परसेंट शोर है कि क्यों हो रहा है ना हम इलाज में हम शोर है वो ना इस्लाम आबाद में थे शिफा में उन्होंने मल्टीपल टाइम अपना इलाज कराया अच्छा वो न अचानक से नीक में ही इज़ लिविंग नॉर्मल लाइफ परफेक्टली नॉर्मल लाइफ ठीक है लेकिन कभी वो सुबह उठते थे शिप्रेशन की स्टेट में ठीक है और वो डिप्रेशन उनका चलता था अराउंड सेवन डेज का एग्जैक्ट ठीक है वह जब वेंसडे को किन किया अगले वेंसडे को ख़त्म और वो शिफा और कहाँ कहाँ गए उन्होंने अपने न्यूरो के टेस्ट कराए उन्होंने अपने, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट उन्होंने अपनी एम आर आई स्कैन उन्होंने क्या कुछ करा उन्होंने उनके ब्रेन के उन्होंने जैसे स्कैन सब कुछ किए इतने सारे डॉक्टर्स का पैनल ऑन बोर्ड था जिसमें ये न्यूरो साइंटिस्ट भी थे जिसमें न्यूरो जो सर्जन भी थे और मेडिकल स्पेशलिस्ट हर तरह का रेडियोलॉजी का हेड था तो वो कहते हैं यार हमें तो नहीं पता क्यों फील कर रहे हैं आप अच्छा वो फिर हफ्ते बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर कुछ अर्से बाद वो खराब हो जाते सो बेसिकली दिस वेंट ऑन एंड ऑन बट आई एंड आई थिंग के शिफा जैसा एडवास्ड हॉस्पिटल जिसमें दुनिया की तमाम चीज़ें यानी पाई जाती हैं दे देग्नोज ओके डिप्रेशन की जो मैं देख रहा था यानी जो सिम्टम्स हैं वह प्रसिस्टेंट सैडनेस एंड बींग एंशियस ठीक है दूसरी फीलिंग फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस एंड पैसिमिज्म इंसान उम्मीद हार जाता है hmm. Feeling of guilt, worthlessness, and helplessness. Loss of interest in pleasure, hobbies, and activities. And mm. You don't enjoy anything at all in your life. Decreased energy and fatigue. Moving and, moving and talking slowly. Feeling restless or having trouble sitting still. This is different life The crucial question is how do you differentiate between. इस्लामिक डिप्रेशन सो से मेडिकल डिप्रेशन इसमें देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कन्फ्यूजन बंदे के माइंड में ये आ जाए कि बंदा ये समझ बैठे कि हम जो इस दुनिया में आए हैं यू आर इन द वर्ल्ड और चूँकि हम अभी सोशल मीडिया की बात रहे थे कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ जॉयस इज़ फुल ऑफ लग्जरीज़ और कम्फर्टेबल लाइफ होनी चाहिए तो यू नो वी शुड आज का सब्ज़ कि वाकई ये दुनिया इज़ एट दाउस ऑफ लग्जरीज़ कि क्यों हमारे अंदर ऐसे सैडनेस क्यों आती है हुँ. और लोग यानी अम, अमूमन अब देखा जाए ना हर बंदा एवरी पर्सन इज़ इन द प्रसूट ऑफ हैप्पीनेस कि जी मेरे अंदर यानी मुझे कहीं कही ना कहीं से ना ख़ुशी मिल जाए हुँ. और होता यह है कि ये भी पॉसिबल है कि बंदा आ, किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है वो जब वो चीज़ पा लेता है हुँ. तो हो सकता है वो उसकी खुशी हो ही नहीं और अगर हुँ. उसको वो चीज़ मिल भी जाए वो थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए वो खुश रहे Mm -hmm. और इवेंचुअली सबको पता है कि अगर मुझे ये चीज मिल भी गई है आई एम गोइंग टू लूज दिस एनी वे तो क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है परमानेंट तो नहीं आपको मिलेगी लेट्स से इफ यू नो इफ देयर इज अ वेल्दी पर्सन अब जितने भी मल्टी मिलियनर्स या बिलियनर्स लोग हैं इफ दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ देन वुड दे वेक अप द नेक्स्ट डे और फिर जो है मेहनत करेंगे आठ आठ घंटे या दस दस घंटे डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट सो ये जो कंटेंटमेंट है कि जो हैप्पीनेस की uh, जो डेफिनेशन है mm -hmm. कि हम दुनिया को यानी किस तरह किस रिगार्ड में लेते हैं वाट इज़ दिस वर्ल्ड एनी वे तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि लहमदा जैसे जस, आपने दीन की बात की है ना ब्रो देर इज़ अ बिग डिफ्रेंस हम समझ ये लेते हैं कि ये दुनिया आए हो इस दुनिया में हमें जो भेजा गया है कि यहाँ पर अयाशी करो और उसमें सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले किया है लेकिन हमें कौन बताएगा कौन इस पोजिशन पर है जो हमें ये बताए कि दुनिया की हकीकत क्या है जाहरी बात है कि वी एज मुस्लिम वी बिलीव कि अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं hmm. और अल्लाह ताला फरमाते हैं या अल्ला यालमन कि जिसने पैदा किया वो नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट ए हाउस ऑफ लग्जरीज इन स्टेड दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट अल्लाह ने तो क्लियरली बता दिया ना सबको सब, सब इंसानों को ये बता दिया वाला वालाम बिश इमिन ख़ूफ एवलजू एवनकमिनफारात कि हम तुम्हारा लाजिन टेस्ट लेंगे उसमें तुम्हारे रिस्क में भी माल में भी कमी आ जाएगी तुम्हारी सेहत में भी कमी आ जाएगी और बहुत सारी जो है चीज़ों में म, मिन, मिन, मिन का लफ्ज़ आया है कि और भी जो चीज़ें तुम इन्जॉय करते हो तुम यू विल बी डिप्राइड ऑफ दोज थिंग्स और फिर देखें ना हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलती है जैसे हम अगर क्योर की तरफ आते हैं जैसे हमने डिप्रेशन की बात की है सैडनेस की बात की है अल्लाह ताला आगे बताते हैं व शेर साबरीन यू हैव टू बी पेशेंट और अगर आपको पता है कि ठीक है यार अगर मेरी मेरे अंदर लेथ से एक बंदे के अंदर प्रॉब्लम भी है वो बार बार डिप्रेशन में आता है एंड ही हैज़ टू फाइट दैट दैट सेंस अगर वो उस सेंस को तीस साल चालीस साल या अपनी सारी ज़िंदगी फ़ाइट करता है विद पेशेंस उसको पता है कि अल्दीन अज़ा असाबत मसीबा क़ालू उन ना लाजन उसको मोटिवेशन इससे मिल रही है कि कोई भी अगर मेरे ऊपर परेशानी मुसीबत आती है मैंने तो लताला की तरफ ही जाना है तो जो सी बी टी है, है ना जो सी बी टी थेरेपी बिहेवियर है, इस्लाम यानी आप उसको आयात कर लें अहदीस कह लें वो सी बी टी तो है इस तरह से आ, जो भी behavioral आपको माइंड सेट देता है वो बिहेवियल थेरेपी तो है कि जिसमें आपको पता है लेकिन अगेन मैं भी मैं ना इसमें ये समझता हूँ कि एक सब्र और एक हाई ईमान वाले बंदे को डिप्रेशन हो जाता है और उसका ज़रूरी नहीं है कि इलाज सिर्फ़ अल्लाह पे तवकल और तकदीर तवकल हो उसको मेडिकेशन पे चले जाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए फ़ॉर एग्जांपल जैसे एक हाई ईमान और ऊंचे सब्र वाले बंदे को पेट ख़राब हो जाए इसी तरह से उसको अपना सिर्फ अल्लाह पे तकदीर और ईमान से पेट ठीक नहीं होगा उसको मेडिकेशन लेनी चाहिए इस्लामी कहता है लाइक वाइज डिप्रेशन भी उसको यानी बेषक वो मैंने क्या साइकार्टिस्ट पास जाएँ सैकोथेरापिस्ट से पास चला जाए साइकोलॉजी पास चले जा जाए ठीक है अपना उसको ट्रीट करें उसको मेडिकल इलनेस समझे हम, न, हम ना चले डिप्रेशन को दो मिनट छोड़ के हम जो नॉर्मल सैडनेस है हुँ. उस पर बात करते हैं कि जो एक जनरल आवाम में नजर आती है एंड वन ऑफ़ द रीज़न् मैंने खुद पास जो ऑब्जर्व किए कि लॉट ऑफ स्ट्रेस हर चीज के ऊपर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना स्ट्रेस ले लेना hmm. कोई छोटा सा अगेन इट वी कैन कनेक्टेड विथ फैक्ट दैट के जब अल्लाह ताला पे तवकल काम होता है तो हम हर चीज़ पे स्ट्रेस बना पड़ा लेते हैं hmm. और स्ट्रेस लीड्स टू एग्जाइटी एंड स्ट्रेस hmm. लीड्स टू सैडनेस hmm. तो ये जो हम जनरल हमारी एक जो लो लेवल ऑफ स्ट्रेस और लो लेवल ऑफ सैडनेस है ना इसको डील करने की तो आप काम ही नहीं जिंदगी में है कि अब कुछ करो मतलब यू टेक द पेन बात यह की आप ओवर स्ट्रेस तो नहीं कर रहे आप हर छोटी छोटी चीज पर स्ट्रेस तो नहीं कर रहे और उसमें एक नहीं मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है अभी आपने शुरू में फोन की बात की थी ना वन यू पिक अप द फ़ोन एंड रिपीटडली पिक अप द फ़ोन और वो जो नोटिफिकेशन है और वो चेक करने की जल्दी है वो इरेटेबिलिटी है ये इट सेल्फ बहुत बड़ा स्ट्रेस है इसी तरह हमारी लाइफ में ना हमारे अपने पैदा किए हुए बहुत सारे स्ट्रेसेज ऐसे हैं स्ट्रेस ये भी, ना, की तरफ तरफ ये भी है।, है ना कि आपका जो माहौल है है हाँ। जैसे मोबाइल से आप देखते हैं कि यार अच्छा ये बंदा अगर इतना सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ़ मैटर्स तो मुझे भी इसके लिए मेहनत करनी है, तो भी भी है।, हो है कि आप जहाँ पे ऑलरेडी दस हेल्दी स्ट्रेस है आप ड्राइव करते हुए अगर फोन पे मैसेज चेक कर रहे हैं और किसी को करना चाह रहे हैं आप सख्त स्ट्रेस से गुजरे और आप एक साथ लिखना भी चाह रहे हैं कुछ

फेलियर में सैडनेस में, में शिफ्ट हो जाता है तो वो जो है ना वो और चीज इसमें ना इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सैडनेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना थोड़ी सी और बात क्लियर हो जाए वाजे हो जाए कि देखें जैसे हमने एक आयत सूरह बकरा की पढ़ी है ना इसके साथ साथ अल्लाह ताला, ताला, ताला फिर फरमाते हैं कि सिर्फ यानी मुसलमानों की बात करूंगा बल्कि अल्लाह ताला ने नहीं तमाम इंसानों को ये एड्रेस किया है कि अहसी बननासु तरकु ला वहफिन क्या लोगों ने ये गुमान करके रखा हुआ है कि सिर्फ ये कह लेने से कि मैं ईमान ले आया हूँ इल्लल्लाह पढ़ लिया है उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा उनको आज़माया जाएगा क्योंकि इनसे पहले भी जो लोग आए थे अल्लाह तला ने उनका भी टेस्ट लिया अल्लाह लाजिमन ये देख के रहेंगे कौन अपने इस स्टेटमेंट में सच्चा है और कौन झूठा है द मोमेंट यू रियलाइज़ और जब आपको ये यकीन आ जाता है ना कि ये दुनिया टेस्ट है इसमें अप्स एंड डाउनस आएंगे सैडनेस भी होगी हैप्पी मोमेंट्स भी आएंगे तो यू बिकम एट ईज वो क्यों वो यानी वो कैसे होगा कि अब उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी इमाम अपने तइमे यही तो कहा करते थे कहते थे कि माँ इस नाव बी कि व्हाट माय एनिमी कैन डू टू मी अब देखें व्हाट अ मोटिवेशन उनके दिल में अब देखें ही इज़ कैरिंग मोटिवेशन इन हिज हार्ट कहते हैं कि अगर मेरा दुश्मन मुझे मुल्क से बाहर निकाल देता है तो मैं अपने मुल्क से बाहर जाके अल्लाह ताला की कायनात देखूंगा और मैं पॉन्डर करूंगा कॉन्टम्पलेट करूंगा और फिर कहते हैं कि अगर मेरा दुश्मन मुझे कैद कर दे जेल में डाल दे तो वो तो मेरे लिए अच्छी बात होगी मैं आल हैव प्राइवेट मोमेंट्स विद माय रब मैं अल्लाह ताला से हम कलाम हूँ अल्लाह ताला के से अल्लाह ताला से बात करूंगा दुआ करूंगा और फिर कहते हैं कि वर् सिनेरियो क्या हो सकता है कि मेरा दुश्मन मुझे कत्ल कर देगा मुझे मार देगा देन आई विल डाई एज अ मार्टर आई कैरी माई जन्ना इन माई हार्ट मेरा दुश्मन मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता तो ये मैं समझता हूँ कि देखें अलहमद जब हमें ये माइंड हमारा बन जाए ना कि सैडनेस आनी आनी है इसका मतलब यह है कि आप यू नो यू 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 इम्ब्रेस दैट यू ब्रेस यूर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट यार कोई मसला नहीं है कि आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ तो आप बड़ी बड़ी परेशानी आएंगे तो आप पहले ही आपको पता है कि यार हो सकता है मेरे आसपास मेरे बच्चों ने भी इस दुनिया से जाना है मेरे पेरेंट्स ने भी जाना है आई हैव टू लीव दिस वर्ल्ड दिस डिप्रेशन ओ सो टू से सैडनेस विल नॉट लिव फॉर एवर दिस इज गोइंग टू एंड एंड द सेम थिंग वुड हैपन एज नो इट मे तई मी आ कि आई कैरी माई जिना इन माई हार्ट मेरा yeah. कोई बिगाड़ नहीं सकता है निशार्था. ये मेंटली प्रिपेयर्ड है ना मेंटली mm. प्रिपेयर्ड होना फ्यूचर के लिए इज़ mm. बेसिकली uh, अपने आप को रेडी करता है टू डील विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर हम लोग उल्टा रखते हैं हम लोग ने ना uh, एक और रीज़न जिस जिस वजह से हम बहुत सैड होते हैं ना वो होता है बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्राम पीपल फ्राम योर और अपनी चीज़ों से भी यार ये चीज़ ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जानी चाहिए है फलाने को ऐसे बिहेव करना चाहिए इस सिचुएशन में ना मतलब छोटी छोटी चीज़ हम घर के मामले में हो सकता है हम के हस्बैंड वाइफ से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो घर इस तरह मेंटेन हो बच्चों माँ की बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन हो यार तमी से बैठे रहेंगे कहीं जाएंगे कोई शरारत नहीं करेंगे यू नो वन वी हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ना और वो जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती दैट इज़ वॉट लीड्स टू प्रॉब्लम हमें चिड़प चिड़पान आता है एग्जाइटी होती है हम गुस्से में रहते हैं हम और उदास होना शुरू रहते हैं हमें लगता है यार हम और वो जो प्रोलॉन्ग होती है हम कहते हैं शायद ही हमारा कसूर है ये बात तो क्लियर है एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि जितना आखरत का इमेज और पिक्चर क्लियर होगी ना आपको तकलीफों से भी मोहब्बत होनी शुरू हो जाएगी आपको तकलीफें भी अच्छी लगने शुरू हो जाएंगी सबर करते हैं और आपको ना यू एक्चुअली फील हैप्पी व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड यानी इमरान बिन हुसैन के बारे में आता है कि जो तीस साल तक अपने ही बस बेड रिडन वो उठ भी नहीं सके और जब ताबी आए उन्होंने कहा कि आप इस स्टेट में हैं वो फील सैड और सारा कहते हैं कि डोंट फील सैड डोंट प्ले with माई हेड बिकॉज अल्लाह के इस फैसले से जितना मैं राजी हूँ जितना मैं खुश हूँ मैं hmm. तुम्हें बता नहीं सकता फ्रिश से मेरे पास आके मुझे सलाम करते हैं और मैं उनके सलाम का जवाब और जितनी खैर मुझे मिली है इससे आई कैन you यू he said के what इज़ प्लीजिंग टू अल्लाह इज़ प्लीजिंग टू मी यानी जैसा कि बहुत सारे हमें कोर्ट्स मिलते हैं कि अपने अपने मसूद कहते हैं कि आई वुड प्रेफर ईटिंग अ बर्निंग कोल इट बर्न वट इट बर्न एंड लीव वट इट लीवस पे जाके मैं ये कहूँ कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया जो मैं चाहता था ना हो okay. लेकिन ब्रो मसला पता क्या है जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है ना हमें ना बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच अख्तियार करनी है एक तो साहबा yeah. का ये है कि वो तो बेसिकली सिर का और ब्रेड पे बड़े खुश थे कि इतनी नियमतें जिंदगी में कहाँ से मिलेंगी ठीक yeah. है जिस तरह अबू यूसफ ऑफ वेबर्थ के बारे में आता है कि वो जा रहे थे तो देवर हैप्पी कि यार हमें इतनी खुशी कहाँ से मिलेगी बट आज कल की जो ब्रो स्टेट है ना जो सिचुएशन है यूथ नमाज नहीं पढ़ लोग का लोगों का अल्लाह से ताल्लुक बहुत टूटा हुआ है दे आर इन टू गेमिंग दे आर इन टू नेटफ्लिक्स और इस सब कुछ में अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करें ना कि आपको जब भी हिट करे दुनिया आप इनशाला अल्लाह पे तोल करो या सिर्फ या खत ईमान लेके आओ या आप कहो कि अल्हमदल्ला

द होल पिक्चर यस वो आइडियल सिचुएशन है कि हम बीमारी का इलाज हम किसी पर रहे हैं हम सिर्फ अल्लाह तला पे तवक्ल कर रहे हैं और दम पर जा रहे हैं ठीक है जैसे पागल शख्स भी जो है वो ठीक हो रहा है, जो है। समझ में नहीं आती तो लोगों को यही बताना चाहिए कि इट इज ओके टू फील सैड इट इज़ ओके टू फील डिप्रेस्ड इट इज़ ओके टू गो टू अट्रिस्ट और मेडिकल एलनेस रुकिया के साथ कुरआन के साथ और उस सब के साथ अपने आप को ट्रीट करें इसको इलनेस जैसे हाँ, एक बंदा जाता है यानी याकूब अल्लाम ने अपनी आंखें गंवा दी रो रो के और वो कहते हैं कि मेरा यूसफ मुझसे चला गया यानी ही बिकेम ब्लाइंड और वो सारी जिंदगी वो बुढ़ापे तक ना बच्चे कहते हैं कि आप बाबा से गया है वलयात ब ठीक है कि इसको पता नहीं अभी तक यूसफ के बारे में ख्याल करता है तो उनको तब तक उम्मीद थी अल्लाह के नबी नबीन तदमा ठीक है दिल यम है सो Uh, एक आइडियलिस्टिक स्टेट लोगों से पेश करना है कि यू शुड बी एट दैट आई थिंक दिस इज विद पीपल एक्चुअली ना ये फिर बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात चली जाती है कि देखें जब तक हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है ना तो आप इस चीज़ से बाहर निकल नहीं सकते दिस इज़ दैट यानी इसमें कोई शक की बात ही नहीं है क्योंकि अल्लाह तला ने तो क्लियरली फरमा दिया ना वमन शतन का अगर बंदा अपनी जिंदगी अल्लाह की मासीत में गुजार रहा है तो उसको खुशी कैसे मिलेगी इज सो क्लियर तो इसमें सबसे पहले यह कि बंदा तोबा की तरफ तोबा की तरफ आए यानी रिपेंट करे कि अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया आप मुझे मुआ फरमा दें एंड सेकेंडली ही शुड

लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि यानी वी शुड बी नोइंग कि मैं हम में हूँ हज़न में हूँ डिप्रेशन में हूँ किस स्टेट में मैं अभी इस टाइम ना यानी जिस तरह से क़ुरान में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वो यूज़ किया गया है यानी पास्ट के जो भी है परेशानी है आपको तंग कर उसको हुज़न बोलते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन में से पास्ट का होता है फ्यूचर की जो भी चीज़ें आपको वरी कर रही हैं उनको हुज़न बोलते हैं इसलिए वो दुआ में आता है ना अल्लाह क्या मेंसन पास के डिप्रेशन से भी बचा और फ्यूचर की जो तो एनजाइटी है मुझे उससे भी बचा तो अल्लाह से दुआ करें बट अगेन लाइफ स्टाइल चेंजेस लेके आए डोंट ईट जंक फूड एट साइज को अपनी जिंदगी में लेके आए लाइफ स्टाइल अपनाएं ये सब काम करें समाइम्स

एक्शंस कर रहे होते हैं इसको कॉन्शियसली हमें ब्रेक करना चाहिए कि ये मतलब नहीं है कि अगर अभी मेरा दिल कर रहा है कि जी बैठे बैठे आई जस्ट वांट टू हैव पिज्ज़ा नाउ जी आपने फूड पैंडा ऑर्डर कर दिया है ट्राई टू तो कंट्रोल योर नफ्स एज मच एज पॉसिबल अब देखें उमर बिन ख़ताब रजी क्या कमाल की बात कहते हैं एक दफ़ा ना जाबिर रजी जा रहे हैं एंड ही वॉज बैग ऑफ मीट लहम लेके जा रहे हैं तो उमर रजी अला कहते हैं कि जाबिर ए शाह क्या लेके जा रहे हो

सवाल कि, कि, नहीं, सवाल किया किया कि जब भी तुम्हारा दिल कर रहा है कोई चीज खाने को या कोई खरीदने को तो उसी वक्त ही एक्ट कर लोगे यू हैव टू कंट्रोल यूर सेल्फ और उमर भी कहते थे कि अपनी राया को डू थिंक कि मैं अपनी जिंदगी को इंजॉय नहीं कर सकता था अब यानी कैसो किसरा के खजाने आगे होते थे ब्रो एंड ही टू स्लीप अंडर द ट्री उन्होंने क्या जबरदस्त बात की कहते हैं कि मैं चाहता तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकता था अच्छे से अच्छा खाना खा सकता था लेकिन जिन लोगों के साथ मैं घूमता था ना मैं चाहता हूं कि आखिरत भी मैं उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाऊं और, और हुआ यही कि अल्लाह ही इमेजिन करें क्यामत का दिन होगा और यही तीन हस्तियां एक साथ उठाई जाएंगी आई मीन दिस इज हाउ कटिंग योर मैं आपको बताऊँ ये बहुत बहुत हम आके बैठ गए और रह गए और हम चाहते हैं बस यही हमेशा रहे

ट्वेंटी फोर टू सेवेंटी टू आवर्स और इनफैक्ट द एंटिस जब आप फोन लेने लग रहे होते हैं ना जब कोई चीज़ लेने कपड़े लेने जा रहे हैं चीज़ उस टाइम एक्साइटमेंट होती है जब लेकर घर आ जाते हैं ना तो वो एक चौबीस घंटे के अंदर एक्साइटमेंट जब आप चेक कर सकते हो उसको बिल्कुल और फिर आप जैसी फोन खोलते हो और किसी और के पास वो चीज है उससे बेहतर हो तो बंदा कहता है लॉजिक मना जीड आप हम बार बार उन चीजों को अपने सामने डिस्प्ले करते हैं बार बार देखते हैं जाके उनको टू गेट द सेम फीलिंग बट अगेन किसी और के पास बेहतर आ जाए या इवन उस चीज जिसके लिए आप क्रेव कर रहे थे ना प्रो हमारे दफा हुआ है द थिंग वी वॉन्टेड सो मच इन आर लाइफ वेन वी गॉट इट

होता क्या है कि एक दफ़ा वो नैप ले रहे होते हैं उनकी एक मेड़ जाते जाते वो जो कोल नहीं होता जिससे वो बखूर जो है जलाते हैं तो वो उस मेड़ से गिर जाता है और उस खलीफा के ऊपर गिर जाता है और एकदम वो पैनिक होकर उठता है कि वट वॉज दैट तो मेड़ क्या जो है जवाब देती है, कहती हैं कि ये तो एक झलक थी इस दुनिया की आग की क्यामत की और जहन्नम की आग कैसी होगी जहन्नम की आग तो बस ये जब ये स्टेटमेंट सुनते हैं ना hmm. वो सब कुछ लग्जरीज़ छोड़ देते हैं और होता क्या है कि एक दफ़ा वो सो रहे होते हैं पत्थर के ऊपर और फटे पुराने कपड़े होते हैं वही खलीफा तो फ़जैल बिन अय्याद और सुफियान बिन ऑीना रहा वो गुजरते हैं तो फ़ैैल कहते हैं कि hmm. अल्लाह ताला ने तो कहा है कि जो बंदा मेरे लिए कोई चीज़ छोड़ता है आल डेफिनेटली गिव हिम अ बेटर आल्टरनेटिव आपको क्या मिला है आपने तो अपनी लग्जरीज खत्म करके आप तो यहाँ पे आ गए हैं क्या जबरदस्त जवाब देते हैं कहते हैं मुझे क्या मिला अनफी कि जो अल्लाह ताला ने मुझे कंटेंटमेंट दिए ना दिस इज एवरी तो हमारे अंदर भी यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है हमारे दिल में आ जाए इसलिए जो दुआ है ना कि मनी असलका्काबक लाकबर बड़ी कमाल की दुआ है ब्रदर्स हमें मांगनी चाहिए ये अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत का आपसे सवाल करता हूँ जो लोग सैड हैं एंगजाइटी का शिकार हैं डिप्रेशन में हैं आप उनको क्या कहेंगे कि वो कैसे कोप करें प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं क्योंकि ये फील्ड बहुत वास्ट है और हमने तो डेफिनेटली मेडिकल हवाले से बात की नहीं है हम तो इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आपको जो शरीर है वो क्या गाइडेंस देती है तो इनशा आखिर में any from you guys, मैं, तो मैं ये तो समझता हूँ कि कुरान की जो आयत है ना ला लाफुल ये हर बंदे को जहन में रखनी चाहिए ऑफ़न uh, टाइम्स आप किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी में एक ऐसी मुसीबत देखते हैं जो आप जिसके बारे में ये सोचते हैं कि अगर ये मेरे पे आई ना तो मैं तो फोत हो जाऊँगा लेकिन आपको पता है वो उस बंदे की कैपेसिटी में होती है जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि किसी बंदे की औलाद का चले जाना फॉर मी इट्स अ वेरी बिग बिटर मतलब मुझे लगता है कि यार इससे बड़ा टेस्ट क्या हो सकता है लेकिन ये किसी और बंदे अच्छा आप देखते हैं तो अल्लाह ताला ने उसको बड़ी हिम्मत दी होती है ही इज़ एबल टू कोप विद इट तो ऐसा लगता है कि यार ये आयत जो है ना अल्लाह ताला ताल की इतनी सच साबित हो रही है कि ला नफ्सन इल्ला कल्हन हर बंदे के लिए टेस्ट उसकी कैपेसिटीज उसका सब कुछ मुख्तलिफ है इस बात का यकीन होना कि अल्लाह ताला ने जिस भी इम्तिहान से मुझे या आपको गुजारा है वो मेरी कैपेसिटी में है वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ और उसमें करना क्या है उसमें रुजू अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ पलटना है ठीक है अपने गुनाहों को देखना है वमा असवा बकुमी मुसीबत इन फप यहाँ कैसे बताइए कि आप पे जो भी मुसीबत आती है वो आपके अपने अमाल की वजह से आती है तो ऐसा जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ हो बंदा अपने अमाल की तरफ मेरे ख्याल से नजर दौड़ाए करेक्ट करने की कोशिश करें अपने आप को जहाँ कर सकता है एक और चीज़ क़ुरान पढ़ना जब भी आप उदास हैं परेशान हैं ना तो ऊंची आवाज में पढ़ना दिसमान आपका दूर ले जाएगी वो तो जो इस्लाम ने भी कहा था ना لا تعلمون तो इल्म जो है ना उन्होंने कहा मैं अल्लाह की तरफ से वो वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते हो इल्म का होना कि इसमें अल्लाह की तरफ से कामिल बेहतरी है कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें एक बच्ची चल रही थी चल के जा रही थी और अचानक से ना वो कुछ खडा था वो गिरी और वो अचानक से ना पीछे से एक तेज गाड़ी वाला चलता आ रहा था वॉज यूजिंग सेल्फोन और गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई ठीक है यानी टायर उसको दार्ड एंड टई और वो चली गई एंड शीडअप ठीक है तो उसका गिरना था ना वो उसको बचाने के लिए था अल्लाह की तरफ से ठीक है तो जब आप लाइफ में गिरते हैं तो अल्लाह ताला हो सकता है आपको आने वाली मुसीबत और आफत से बचा रहा हूँ और दूसरी बात यह भी है कि मोमिन को तो कांटा भी चुपता है ना उसको हुँ। अजर, हुँ। अजर मिलता है तो आखिरत के बारे में वो रखें अल्लाह से दुआ करते रहें डिप्रेशन की दुआ क्या कि है अल्लाह रबील श्री को बेकाशै या तेरे साथ मैं शेयर नहीं करता आखरत इनशा मुसलमानों के लिए है एंड दिस टू पास ये सब खत्म हो जाएगा दिस इज इनशाला से रो अच्छा मैं मोर uh, प्रैक्टिकल uh, uh, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द लोगों और मुझे भी बड़ा हेल्प करती हैं uh, अपनी सेहत पे बहुत ख्याल रखें सो so, रमजान में स्पेशली और वैसे बाद में भी ठीक है वाटर लेवल हमारा ठीक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके डेली के कम से कम सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड आइडली स्टेप्स होने चाहिए सो एक्सरसाइज टाइम डालें बिल्कुल जिम जाए अच्छा तो आप, आप बता देना ना कैसे जाते हम तो जाने हैं, <laughs> नहीं लेकिन यू नो सब फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अ बिट ऑफ रनिंग जॉगिंग ये मेरी तो स्ट्रेस लेवल बड़ा डाउन होता I mean, really है आई सीरियसली ब्रो व्हेन आई गो टू जिम सुभान अल्लाह इट रियली हेल्प्स इट्स इट्स प्रूवन ये एक्चुअली मेरे आपके स्ट्रेस लेवल्स को डाउन करता है एक्सरसाइज सो so, दैट uh, वोला पार्ट आ गया एक्सरसाइज uh, का और तीसरा पार्ट अगेन uh, जो मुझे लगता है कि तकरीबन हर दूसरी प्रॉब्लम का हल है ना वो है कि अपने आप को अच्छे लोगों की सोबत में रखें सो यू नो हैव गुड कंपनी अच्छे लोगों में बैठें पॉजिटिव लोगों में बैठें जो आपको अच्छी बातें सुनाएंगे अच्छी नसीहतें करेंगे आपकी जो परेशानियाँ ना वो सारी साइड से पहुंचेंगी और आपको एक पॉजिटिव आउटलुक मिलना शुरू हो जाएगा अबाउट लाइफ सो बिजी योर सेल्फ विध गुड थिंग्स एंड विद गुड इवन फैमिली के साथ टाइम गुजारना फैमिली से टाइम गुजारना बच्चों का हक करना आपके अंदर इंडोरफिनस रिलीज होते हैं एंड दे दे मेक यू फील रिलैक्स्ड दे मेक यू फील हैप्पी ठीक है और दूसरी बात यह कि अगले तीन दिनों में ना जिसको भी डिप्रेशन एंगजाइटी या सैडनेस है अगले तीन दिनों में रोज थ्री हंड्रेड ब्लसिंगस लिखें आई वुड सजेस्ट थ्री हंड्रेड ब्लैसिंग्स लिखें अपने नोट hmm. रोजाना हंड्रेड ब्लैसिंग्स लिखें कि आपकी ज़िंदगी में इवन सांस इवन वो घर में फ्रूट बास्केट का होना ईवन अल्लाह की तरफ से अच्छे मौसम का होना कुछ भी छोटी-मोटी भी इवन hmm. अच्छे फ्रेंड्स का होना आपका देखना आपका सुनना और तवक्कुल करना अल्लाह की जात पे कि या अल्लाह तू हर मुश्किल अमयउजीबुल मुस्तरा इदा दाऊ याशिफु सु कौन है जो अल्लाह के अलावा इस मुसीबत से निकालेगा और इन उस बिल्कुल मुसीबत आज कल ख़त्म हो जाएगी इनशा बस इसमें इन शाला आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है मैंशन किए हैं सब ने तो बस मैं इसमें छोटी सी बात ये ऐड करना चाहूँगा कि ये सारे काम जो आपने बताएं वो करें इन शहला और अल्लाह ताली से दुआ है कि हमारी परेशानी इसे दूर हो जाएगी हुँ। और हुँ। जस्ट इन केस अगर फिर भी ये परसस्ट करती है चीज़ तो मेडिकल असटेंस भी इन वो भी एक है चीज़ है जो आप इंशाल्लाह उसको अवेल कर सकते हैं तुर तो हमारी परेशानियों को हमारे डिप्रेशन को हमारी सैडनेस को दूर करे जी बिल्कुल और आखिर में मैं एक दुआ मैंशन करूँगा लाजमी तो अगर हम सैडनेस की बात करें और दुआ मैंशन ना करें तो ये इनजस्टिस होगा वो जो है ना अल्लाह मेंबदक इबन अब इबन आमदक ना सोया तबी यादक माजूनफियामक और यह गूगल पर सर्च कर लें कि अल्लाह मैं तेरा बंदाऊँ मैं गुलाम हूँ और उसमें ह्यूमिनिटी और हमबलनेस है अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने फ़रमाया कि जो शख्स दुआ पड़ेगा ना अल्लाह उसको हम और हमसे निजा दे देगा तो ये दुआ दौा पढ़ें दुआएँ याद करें अल्लाह से ताल्लुक मेंटेन करें हाँ। इन श्ला ये चीज़ें बहुत टम्प्रेरी हैं गुजर जाएंगी और ब्रो मैं एक आखिरी लाइफ लेसन वो ये कि अगर तो आपकी ज़िंदगी में नमतें हैं ना और आपकी ज़िंदगी में नमतें बेबहा है। हैं और आप अल्लाह के सामने आंसू नहीं बहा रहे और शुक्र अदा नहीं कर रहे और आपकी नमाजों भी सुस्ती है और आपकी लाइफ में जनरली सन्स भी आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप अपने उन ब्लेसिंग्स को बिलिटल हैं तो फिर इंतज़ार करें ऐसी आफत का जो कमर तोड़ देगी इस अल्लाह बचा के रखे तो उससे पहले कि ऐसी आफत आए जो आपको अल्लाह की तरफ फेर दे अपने अच्छे वक्त में अल्लाह को याद करें अल्लाह आपको बुरे वक्त में आपको याद रखें गा बारील